हम आपको बताने वाले हैं कि बीएचयू का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे क्लास सिक्स में हैं, जो क्लास फिफ्थ में है उस क्लास सिक्स का फॉर्म भरना चाहते हैं बीएचयू में, जो नाइन्थ में टेंथ, जो एट्थ में है नाइन्थ का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनका इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है टेंथ का, वो इलेवंथ का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं बीएचयू का, उनके लिए खुशखबरी है कि बीएचयू का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सरकारी रिजल्ट टाइप किया है और यहाँ पर आया है, आप यहाँ से जा करके अपने फॉर्म को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप देखोगे मेन वेबसाइट ओपन होगी सरकारी रिजल्ट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएचयू सीएचएस सेट ऑनलाइन फॉर्म 2021। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बीएचयू सीएचएस सेट ऑनलाइन फॉर्म 2021। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पर नहीं शो रहा है तो आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नीचे लाता हूँ आपको एडमिशन में। एडमिशन के नीचे यहाँ देखो एडमिशन में लिखा हुआ है, एडमिशन में बीएचयू स्कूल इंट्रेंस टेस्ट सेट 2021। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरना कैसे है और कहीं इस फॉर्म को भरते वक्त आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच सके और वो भी फॉर्म भर सके। मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उसमें कहीं आप गलती तो नहीं करने वाले हैं। तो चलिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते वही आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू सीएचएस सेट 2021 का ओपन हो जाएगा लिंक। यहाँ पर आएंगे, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर कितना रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर जो रुपया है ये आपका लग रहा है 600 रुपये लग रहे हैं आपका जनरल। यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा और एससी एसटी हैं तो आपको 300 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर खुशी की बात यह है कि एससी एसटी वालों का कम रुपया लग गया है। यहाँ पर आपको जो लास्ट फॉर्म का जो डेट है वो आज ही यानी कि 1/3/2021 को शुरू हो रहा है, यानी फॉर्म भर सकते हैं। और आपके फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 31/3/2021, मतलब कि एक महीना का आपके पास पूरा समय है, या आप इस एक महीने में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है और किसका किसका फॉर्म है, इसमें मैं देख सकता हूँ आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लास सिक्स नाइन्थ इलेवेंथ और इलेवंथ में तीनों पोर्सन मैथ बायोलॉजी और आर्ट्स का है। यहाँ पर जो सीटें हैं सीटें भी दिया हुआ है, चूँकि हर साल सीटें फिक्स होती हैं इसकी, इस साल भी सीट इसकी फिक्स है। 50 सीट गर्ल्स के लिए है आपका, ठीक है, क्लास सिक्स में। और क्लास नाइन्थ की बात किया जाए तो 20 सीट लड़कियों के लिए फिक्स है आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशन यदि आप सिक्स में जाना चाहते हो तो 5 का पास होना चाहिए आपको, यदि इलेवंथ में जाना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अपियरिंग में भी बच्चे भर सकते हैं, क्योंकि इस बार अभी बोर्ड एग्ज़ाम तो जल्दी हुआ नहीं है, तो जो बच्चे अपियर होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में वो भी फॉर्म इसको भर देंगे अच्छे से। आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू फिल फॉर्म, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म आप कैसे फिल करोगे। यहाँ पर आइए, नीचे लिखा हुआ है लिंक एक्टिवेट 1/3/2021, मतलब आज आप इस लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, नया विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका बीएचयू का मेन वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर इस बीएचयू मेन वेबसाइट पर आप जा करके यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर जब नीचे आएंगे आप लोग तो लिखा हुआ एडमिट कार्ड UET, तो आपको करना नहीं है, आपको सीधे फॉर्म के पास में आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे आते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ देखिए स्कूल इंट्रेंस टेस्ट SCT सेशन 2021-2022। यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदी में भी PDF है और यहाँ पर इंग्लिश में भी PDF है। तो मैं डाउनलोड करता हूँ इंग्लिश वाला PDF और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ से लिखा है डाउनलोड का ऑप्शन, जो ही आप डाउनलोड कर लोगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद क्या क्या इसमें दिखा रहा है, इम्पोर्टेंट डेट और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च 2021, मतलब कि 31 मार्च एक महीने के लिए फॉर्म है, आप इस एक महीने में अपने फॉर्म को भर सकते हो। अब फिर देखा हुआ है कि डेट आप इंट्रेंस डेट, चूँकि BHU में पहले से ही आपको डेट पता रहता है कि आपका इंट्रेंस कब होने वाला है। क्लास सिक्स की बात किया जाए तो क्लास सिक्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 जून 2021 को होगा, उस दिन मंडे है, और एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग में होगा 8 AM से 10 AM के बीच। नाइन्थ वालों की बात किया जाए तो नाइन्थ वाले यहाँ दिख रहे हैं आप लोग कि 8 AM से 10 AM इनका भी होगा, 15 जून को एग्ज़ाम होगा, और 11 वालों के लिए 16, 17, 18 जून को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 8 से 10, मतलब कि सबका एग्ज़ाम फर्स्ट मीटिंग में ही होने वाला है 8 से 10। आगे आते हैं, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ, कैंडिडेट कैन रजिस्टर देयर चैलेंज बाई, मतलब इसमें आप यदि आपका फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाता है तो आप उसको चैलेंज दे सकते हो। फाइनल आंसर मतलब जो भी फॉर्म नहीं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें कोई भी गलती वलती हो तो उसका चैलेंज दे सकते हो।
फाइनल आंसर की अपलोडेड मतलब आंसर की जो अपलोड हो जाएगा जून 30 जून को भी आपका आंसर की इसका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन, आप मतलब आप एग्ज़ाम देते हो और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग का भी डेट 22 जुलाई 2021 को दे दिया है। लगभग देख रहे हैं आप लोग सारा डेट पूरा अच्छी तरीके से अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए स्कूल के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट के बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि सिलेबस के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। लिखा है फॉर सिक्स के लिए द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी द टू क्लास फाइव स्टैंडर्ड कंप्रीजिंग 100 एमसीक्यू ऑफ सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, ये इसका सब्जेक्ट है। क्लास नाइन्थ के लिए भी सब्जेक्ट है आपका, मतलब यदि आप एट में अच्छे से पढ़े हो फाइव में अच्छे से पढ़े हो तो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो आप अलग से बुक खरीद करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी कुछ होता है, रिजर्वेशन में आपको यहाँ लिखा 15% सीट है रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, मतलब जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए सीट पड़े से कुछ रिजर्व है 15%, ठीक है वहाँ पर इसका रिजर्वेशन है। आगे आते हैं देखते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जनरल नोट्स क्या क्या नोट्स हैं इसमें, तो आप यहाँ पर जा करके पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं अच्छे से। मेथड ऑफ सिलेक्शन मतलब आपका जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ जनरल हिंदू बॉयज़ स्कूल सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन क्लास नाइन्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लास वहाँ पर जाने के बाद पढ़ने पड़ेंगे आपको सारे चीज़ें। तो सबसे पहले आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक जो भी है तो आपको मार्केट में स्पेशल बुक CHS नाम से स्पेशल बुक आती है उसको आप लोग खरीद सकते हो और अपनी तैयारी को जारी कर सकते हो। तो जो बच्चे इस बार क्लास टेंथ में वो अपनी क्लास टेंथ की तैयारी तो करते रहें, साथ साथ हल्का सा और साइड में GK की क्वेश्चंस पढ़ते रहें जिससे कि वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो फोकस अपने क्लास टेंथ पे ही करें, आप क्लास टेंथ पे फोकस करते हैं अच्छे से तो आपका BHU एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। बस हल्का सा टेस्ट आपको बगल से थोड़ा सा GK इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग सिलेबस में इसके क्या क्या है उसको मैंने आपको दिखा दिया, उस सिलेबस को क्या क्या पढ़ना है। मैं सिलेबस देखिए जब यहाँ मेन वेबसाइट पर आएंगे तो मेन वेबसाइट पर नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2020-2021। चूँकि हम लोग 2021-2022 में करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2021-22 के लिए देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे चलते हैं, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है। आपको क्या करना है कि यहाँ आइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ स्कूल इंट्रेंस टेस्ट SCT सेशन 2021-2022। तो यहाँ पर अभी आपको अप्लाई का लिंक नहीं आ रहा है, वहाँ पर आएगा तो आप वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर अप्लाई MBA IB के लिए लिखा हुआ है, और ऐसे ही आपको हो सकता है शाम तक आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद अप्लाई के लिए फॉर्म आ रहा है ना, यहाँ पर जा करके आप अपना सेशन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी आप जब देख रहे हो कि सेशन वाले के लिए मतलब कि क्लास 9th, 10th, 6th के लिए अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो सकता अभी आपका। तो जब ही आपका फॉर्म अप्लाई होता है और वो ऑप्शन आता है, मैं आपको फिर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप उसको देख करके फॉर्म कैसे भरना है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आप फिलहाल चल के अपने सिलेबस देख लें और कैसा कैसे तैयारी करना है इस चीज़ को देख लें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।